अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फरजाना की दुनिया। तो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने सारे फ्रेग्रेंस कलेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं डिओड्रेंट्स से। तो डिओड्रेंट्स में सबसे पहले मेरे पास है ये यार्डली का इंग्लिश लेवेंडर फ्लेवर। ये बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है इसका मतलब स्टेइंग पावर भी इसका बहुत अच्छा है। मिनिमम 8 to 9 hours ये स्टे करता है बॉडी पे, और इसकी स्मेल भी इतनी अच्छी सूदिंग, और मतलब एक घंटे के बाद ना इसकी स्मेल इतनी अच्छी और हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और सेकंड है ये टाइटन का स्किन बाय टाइटन। इसकी MRP कुछ 499 है। ये हमेशा डिस्काउंट पर मिल जाता है, ये मैंने मॉल से लिया था। ये भी बहुत अच्छा है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना एकदम फ्रेश एकदम बहुत अच्छी है। और दूसरा है ये पार्क एवेन्यू का वोयाज। ये एक्चुअली मेंस डियो है, लेकिन मुझे ना ज़्यादा स्वीट और फ्रूटी स्मेल पसंद नहीं आती है, तो मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मेरे हस्बैंड का ही मैंने ले ली हूँ पार्क एवेन्यू का वोयाज। ये भी बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट है रॉयल मिराज का इन फ्लेवर नाइट। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी फ्रेग्रेंस है, तो ये आप डिनर्स के लिए, पार्टीज़ के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा है, इसका भी मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस पसंद है तो आप रॉयल मिराज ट्राई कर सकते हो। रॉयल मिराज में ही मेरे पास ये दूसरा वेरियंट है इन फ्लेवर गोल्ड। ये थोड़ी माइल्ड इसकी फ्रेग्रेंस है और काफ़ी अच्छी रिफ्रेशिंग, और इसकी मतलब ना थोड़ी फ्लावरी इसकी फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छा है। इसकी भी स्टेइंग पावर ऑलमोस्ट 4 to 6 hours है, अच्छा ही है। और ये दूसरा है फॉग मास्टर्स इन द फ्लेवर सिडार। ये पॉकेट परफ्यूम है, ये तो बहुत अच्छा है, तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरा डीओ में। और उसी में ही ये दूसरा वेरियंट है अगार फॉग मास्टर का। ये फुल पैकेजिंग बॉटल है, ये थोड़ी ठीक है, मतलब ये सिडार के जितनी इतनी अच्छी फ्लेवर इसकी खुशबू नहीं है, वो मुझे ज़्यादा पसंद है सिडार। नेक्स्ट है मेरे पास स्पिन्स इन एग्जॉटिक। ये एक्चुअली है ना, इसकी जो स्टेइंग पावर है ना ये बहुत कम है, ये मिनिमम 3 to 4 hours ही बॉडी पे स्टे करता है, और इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप ऐसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाज़ार वगैरह जा रहे हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। दूसरा है मेरे पास ये एंगेज वुमेंस में कूल एक्वा। इसकी मतलब फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी ना, ऐसा लगता है अभी अब जस्ट एकदम नहा के नहीं, एकदम फ्रेश फीलिंग आती है इसको, इसकी फ्रेग्रेंस से ना ऐसी खुशबू आती है, बहुत अच्छा है ये भी। ये तो सबसे ज़्यादा सस्ता डीओ है, 120 इसकी MRP है। तो ये है मेरे डीओ कलेक्शन। अब चलते हैं हमारे परफ्यूम्स कलेक्शन पे। तो परफ्यूम्स में मेरे पास सबसे पहले है ये जोविन वाइट मस्क। ये तो मेरा सिग्नेचर परफ्यूम बोल सकते हो, ये मुझे इतना पसंद है ना, ये मेरा फेवरेट है। ये एक बॉटल मेरी ख़त्म हो चुकी है, अब ये दूसरी मैंने ली हूँ। और ये सेकेंड है मेरे पास प्रोफेसी। ये मुझे एक्चुअली गिफ्ट मिला था मेरे सिस्टर इन लॉ की तरफ से मेरे बर्थडे पे। ये देख सकते हो आप मुझे कितना पसंद है कि मेरी पूरी बॉटल ख़त्म हो गई है, फिर भी थोड़ा सा बचा है, मैं इसको संभाल के यूज़ करती हूँ। और नेक्स्ट है ये जवाद अल लायल। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे कतर से ला के दी, इतनी इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल है ना, और इतनी अच्छी है, मतलब इसकी स्मेल मुझे इतनी पसंद आती है ना, एकदम अच्छी, एकदम मस्त, एकदम सेक्सी इसकी स्मेल है, बहुत अच्छा है। ये एक्चुअली मेंस परफ्यूम है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आती है, मैं भी यूज़ करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी स्मेल। आई जस्ट लव दिस जवाद अल लायल। आप भी कोई आपका आने वाला होगा तो आप उससे मंगा सकते हो। अब ये तीन जो है ना, ये ऐसे रैंडम परफ्यूम्स है, ये मेरे हस्बैंड ने लेके आए हैं, ये जस्ट ऐसा गिफ्ट कलेक्शन ऐसा पैक था, तो उसमें से परफ्यूम्स मैंने ले ली। अभी नेक्स्ट है हमारा इत्र और अतर कलेक्शन। तो फर्स्ट है ये अजमल का रॉयल मस्क सफायर। ये इतना अच्छा इत्र है ना, और ये पूरा होल डे आपको लास्ट करता है, इनफैक्ट नेक्स्ट डे भी आपकी कपड़ों से ना हल्की स्मेल आती है, बहुत अच्छा है ये अजमल का। नेक्स्ट है ये अल नोएम का रूह ए कस्तूरी। ये जो है ना गाइस, थोड़ा ना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, और इसकी स्मेल है ना मतलब एकदम ऐसी फॉरेस्टी जैसे ऐसे जंगलों की कैसे मतलब खुशबू आती है वैसी है। और नेक्स्ट है उसी ब्रांड का कश्मीरी ऊद। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाय द टाइम
आफ्टर 1 to 2 hours ये माइल्ड हो जाता है। नेक्स्ट है ये जन्नत अल फिरदौस, ये तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे नहीं चलता है। ये इनफैक्ट मेरे हस्बैंड का है, वो फ्राइडेज को मोस्टली इसको लगाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है ये सादे इत्र, इसका नाम है इनफैक्ट मुझे नहीं पता एक्चुअली, क्योंकि ये ना मतलब स्मेल जो पसंद आ जाती है तो वो अपन को डिब्बे में खाली करके देते हैं, वो है ये। नेक्स्ट है ये मर्चेंट फ्रेग्रेंस का, मैंने मंगाई थी हेयर ऊद फ्रेग्रेंस, ये ना नहाने के बाद इसको ये स्टिक के हेल्प से ना अपने बालों पे लगाना है तो ये बालों में ना काफ़ी देर तक इसकी अच्छी खुशबू रहती है, बहुत अच्छा लगता है ये। इस इनफैक्ट मैंने मर्चेंट फ्रेग्रेंस से ना एक पूरा कॉम्बो मंगाई थी जिसमें मुझे लोबान मिला था और उसका बर्नर और ये हेयर ऊद का ये पूरा एक पैकेज था पूरा। मैंने इंस्टाग्राम स्टोर है इनका, इंस्टाग्राम पेज है इनका मर्चेंट फ्रेग्रेंस बोल के, वहाँ से मैंने मंगवाई थी, आप भी मंगा सकते हो, इनके पास काफ़ी अच्छी रेंज है। तो गाइज़ ये था मेरा परफ्यूम कलेक्शन, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।